रंजन कुमार। आज हम मुड़ू प्रखंड क्षेत्र के बिजना पंचायत सचिवालय पहुंचे हुए हैं। सचिवालय प्रांगण में आप देख पा रहे हैं भीड़ देख पा रहे होंगे, हर तरफ यहाँ भीड़ है, क्योंकि आज जो है मुख्यमंत्री सरकार आपके द्वार कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसके तहत सरकारी पदाधिकारी जो है जिले के पदाधिकारी हो या प्रखंड के, वो सभी यहाँ पहुंचे हुए हैं और अलग अलग विभागों का स्टॉल लगा हुआ है अंदर में और यहाँ बाहर भी लगा हुआ है, चाहे वो वृद्धा पेंशन का हो, पेंशन संबंधित हो या आवास से संबंधित हो, रोजगार क्या मनरेगा संबंधित हो और स्वास्थ्य संबंधित हो, सभी प्रकार की जो है स्टॉल लगाए गए हैं और लोगों की समस्याएं आज यहाँ सुनी जा रही है। इसके साथ ही हम बता दें कि यहाँ जो है LCD लगाया गया है, जो अभी चल रहा है उसमें जो है लोगों को बताया जा रहा है सरकार आपकी योजना, आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत जो है किस प्रकार से लोगों को सुविधाएं राज्य में दी जा रही है, लोगों को किस प्रकार से हर काम को जो है आसान बनाया जा रहा है, उस प्रकार की जो LCD के द्वारा दिखाया जा रहा है। इसके साथ ही यहाँ भी अलग अलग स्टॉल लगाया हुआ है, आप देख पा रहे हैं, ये ग्राहक सेवा केंद्र है और आपके सूचना जनसंपर्क विभाग का भी स्टॉल लगा हुआ है, आप देख पा रहे होंगे। तो हम अभी पंचायत सचिवालय में जो अंदर में जो हॉल में व्यवस्था की गई है वहाँ चलेंगे और वहाँ लोगों से बातचीत भी करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से उन्हें सुविधाएं दी जा रही है। काफी संख्या में पहुंचे हुए हैं और काफी जागरूक लग रहे हैं, उन्हें शायद पहले बताया भी गया होगा कि आज यहाँ किस प्रकार का कार्यक्रम होने जा रहा है, जिसे लेकर ग्रामीण पहुंचे हुए हैं। हमारे साथ देखिए एक बाबा देख पा रहे हैं कि आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार जो है कार्यक्रम का बोर्ड लगा हुआ है, जिसके पीछे आप सेल्फी या फोटो खिंचाने वाले खिंचा सकते हैं। तो है बाबा हैं, हम इनसे बात करते हैं, काफी शौक से खड़े हैं। बाबा क्या नाम है आपका? घर भोंडा। तो आप लोग आज यहाँ पहुंचे हुए सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में, आपको कैसे पता चला गया कार्यक्रम? वही BRW बताया था कि इंद्रवास घर सब मिलेगा, आप लोग का नहीं है तो जाना, वहाँ मीटिंग होगा बहुत बड़ा बोल के बताया, इसलिए आए। आपका अभी इंद्रवास नहीं मिला है आपको? नहीं मिला है, आज इसीलिए आए ना? जी सर। शिकायत जो आवेदन ओवेदन दिए कहीं जमा किए? नहीं किया है सर, नहीं लाया है, आवेदन जमा करिए ना। तो ठीक है, थैंक यू। आधार कार्ड देने से होगा सर? हाँ, जो आवेदन है आधार कार्ड है वो सब जब से मांगेगा वो दे दीजिएगा, है ना? थैंक यू। तो ये देखिए एक बाबा थे, काफी शौक से जो है ये यहाँ फोटो खिंचा रहे थे, तो हम इनसे बात किए। ये इंदिरा आवास इनको नहीं मिला है, PM आवास, इसके लिए ये यहाँ पहुंचे हुए हैं। हम और भी ग्रामीणों से बात करेंगे, जानने का प्रयास करते हैं किन किन काम जो जिनका काम नहीं हुआ है वो किस किस काम के लिए आए हुए हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम आयोजित की गई है, काफी संख्या में लोग यहाँ पहुंचे हुए भी हैं अपनी अपनी समस्याओं को लेकर। इसी बीच देखिए एक बुजुर्ग हैं, बैठे हुए हैं, छांव है यहाँ क्योंकि काफी धूप है, तो हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे। बाबा आप यहाँ बैठे हैं, क्या समस्या लेके आए थे आज यहाँ, क्या काम को लेके आए थे आज यहाँ? हमको ये चूल्हा के चलते हम आए हैं। कौन सा चूल्हा? ये लकड़ी वाला चूल्हा। लकड़ी चूल्हा चाहिए? और हमारा शरीर कमजोर है, इसके लिए हम दवा के चलते आए हैं। दवा मिला? हाँ मिल गया, मिल गया। हाँ कमजोरी है। क्या नाम होता? हमारा कमल तेड़ू है, ये पांडू है। ये कमल तेड़ू जी है, यही बिचना पंचायत के हैं। क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम हुआ? मुनी देवी। कहाँ से आए हैं? बिचना। क्या के लिए आए, क्या काम के लिए? दवाई मन लेता है। क्या हुआ था? शरीर बैठा है, शरीर में बैठा है। दवाई मिला? नहीं। मिल रहा है ना? मिल रहा है, यहाँ दवाई मिल रहा है ना? तो अब तक कितने लोग यहाँ पहुँच चुके हैं? अभी तो बहुत सारे लोग आ गए, अभी इनका 19th नंबर है, 19वां नंबर है, जबकि बहुत सारे लोग आए हुए जो स्वास्थ्य सेवा का उपयोग उठा रहे हैं। हाँ पूरी दवाई उपलब्ध है हमारे पास। नहीं, CHO अनु कुमारी। जो हॉल है यहाँ जो स्टॉल लगाया गया है, लोगों की जो भीड़ है, मैं अभी यही हॉल के अंदर आ गया हूँ और हमारे पीछे आप देख पा रहे होंगे एक भीड़ है। यहाँ जो मुड़ू प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी पहुंचे हुए हैं, वो खुद से बेचारे कमान संभाले हुए हैं, उससे माइकिंग कर रहे हैं, लोगों को स्टॉल को जो है वो निगरानी देख रेख कर रहे हैं कि
सही से हो रहा है काम सब या नहीं, वो खुद से लगे हुए हैं। हम जरा उनसे बातचीत करते हैं, आइए देखिए काफी संख्या में यहाँ भीड़ भी है। हम सीधे जरा प्रखंड विकास पदाधिकारी मिथिलेश जी से बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से यहाँ आयोजन हो रही है। तो हम यहाँ देखिए हमारे साथ प्रखंड विकास पदाधिकारी मिथिलेश जी हैं, जरा इनसे जानने का प्रयास करेंगे सर, क्योंकि हॉल है काफी हल्ला भी हो रहा है, हालांकि कोई दिक्कत नहीं। सर किस प्रकार से आयोजन यहाँ जो आयोजन हो जा रहा है मुख्यमंत्री सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत, तो अब तक लोगों को कैसे जागरूक किया और किस प्रकार का रिस्पॉन्स? ये जगह जगह जाकर ये माइकिंग के द्वारा या हकवा करके जो है जगह जगह लोगों को सूचना दी गई, उसे पेपर संवाद के माध्यम से भी लोगों को मालूम हो रहा है ये सरकार आपकी सरकार, ये जो है सरकार लोगों के दरवाजे पर खुद आ रही है और लोग अपने समस्या के समाधान के लिए, जैसे कि बहुत लोगों को जो है पेंशन नहीं मिलता, आज भी सर्जन योजना के तहत कुछ लोग जो है वंचित रह गए हैं, या समय समय पर उनका ये जगह 60 वर्ष होता है तो उनको पेंशन देना जरूरी है, विधवा बहन का कोई सहारा नहीं होता है लेकिन अगर 1,000 रुपया उनको मिल जाता है एक बहुत बड़ा उसके लिए अवलंब हो जाता है। उसके अलावे जो कि किशोरी बच्चियां हैं, किशोरी सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के तहत सरकार के द्वारा 8, 9, 10, 11, 12 की बच्ची को 2500 रुपया, 11, 12 की बच्ची को 5000 रुपया तत्काल बिना कोई झंझट के, सिर्फ उसका आधार चाहिए और अकाउंट चाहिए उसके खाता में। इसमें भी बहुत बच्ची सब यहाँ को उत्साहित होकर अपना जो है ये इस योजना का लाभ ले रही है। इसके अलावा बहुत मेरी बहन लोग थी जो कि दारू हरिया बेचती थी, वो जो है उनका भी लाभ दिया जा रहा है मुख्यमंत्री रोजगार फूलो झालो योजना के तहत, उनको भी लाभ दिया जा रहा है, अप टू 50,000 रुपया उनको देने का प्रावधान है। अच्छा आज जो यहाँ कार्यक्रम हो रहा है किस किस विभाग का स्टॉल? इसमें मनरेगा का, 15 फाइनेंस का, पंचायती राज का, कृषि विभाग का, ये स्वास्थ्य विभाग का, पशुपालन विभाग का, राजस्व विभाग का, उसके अलावा जो है ये बिजली विभाग, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, सभी प्रकार के सभी विभाग, लगभग 16 विभाग यहाँ पर है। चलिए थैंक यू सर। ये थे मुरहू प्रखंड विकास पदाधिकारी मिथिलेश जी, जिनसे हम जानने का प्रयास किए, क्योंकि हम देख रहे थे सर खुद से लगे हुए हैं यहाँ, खुद से माइकिंग भी कर रहे हैं और विधि व्यवस्था में लगे हुए हैं। तो हम इस प्रकार से जो यहाँ ग्रामीण पहुँचे हुए हैं हम उनसे भी बातचीत करेंगे, जरा जानने का प्रयास करेंगे कि अब तक क्या रहा, यहाँ जो पहुँचे उनका समस्या लेकर क्या 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 उनके साथ उनका प्रक्रिया हुआ है। तो बने रहिए हमारे साथ। पंचायत की मुखिया जी हैं, हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के लिए किस प्रकार से आप लोगों ने तैयारियां की, लोगों को कैसे जानकारी मिला कि आज कार्यक्रम है यहाँ और किस किस विभाग का स्टॉल लगाया गया है। सबसे पहले तो बताइए आप जो है यहाँ तैयारी किस प्रकार से किए? जोहार, मेरा नाम नरगिस प्रियंका टेडू है, मैं ग्राम पंचायत बिछना की मुखिया। हम लोगों को ब्लॉक के माध्यम से ये जानकारी दिया गया कि आपके पंचायत में या फिर सरकार द्वारा एक योजना चलाई जा रही है सरकार आपके द्वार कार्यक्रम, तो ब्लॉक में हम लोगों को बताया गया कि आप लोग अपने पंचायत में खबर कीजिए, टोलों में खबर कीजिए। तो मैं एक मुखिया होने के नाते मैं अपने पंचायत के जितने भी वार्ड मेंबर हैं सभी को बताई जानकारी दी कि हमारा पंचायत में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम योजना शुरू की जा रही है, तो आप सब अपने अपने टोला में खबर कीजिए। तो जैसे गाँव में चलता आ रहा है कि किसी भी बातों को बताना है या फिर सूचना को बताना है तो उसके लिए हम लोग हकवा करवाते हैं, तो ग्राम सभा के माध्यम से और हकवा के माध्यम से हम लोग जानकारी दिए गाँव में। और यहाँ आज जो कार्यक्रम हमारे पंचायत में चल रही है उस कार्यक्रम में हम लोग विभिन्न प्रकार के स्टॉल लगी हुई है, रोजगार संबंधित, पेंशन, विधवा वृद्धा पेंशन संबंधित और भिन्न भिन्न प्रकार की योजनाएं हैं जिससे लाभान्वित हो सकते हैं और लोग रोजगार का लाभ उठा सकते हैं। अब तक यहाँ लोगों का क्या किस प्रकार का रुझान रहा, कितने लगभग लोग पहुँचे हों? करीब यहाँ पहुँचे हैं 1,500 समथिंग कुछ लोग पहुँचे हुए हैं। समस्या सुनी जा रही है ना ठीक से? हाँ, समस्या सुनी जा रही है, जैसे जॉब कार्ड किन्हीं किन्हीं का अप्लाई किया हुआ था उनका बन भी गया है तो वो वितरण की जा रही है, जैसे साड़ी वितरण हो रहा है, बहुत तरह के योजनाओं पर नजर डाला जा रहा है। आप लोग देख रेख कर रहे हैं सही से ना? हाँ एकदम बिल्कुल सही से देख रेख कर रहे हैं, यहाँ के जो भी सरकारी कर्मचारी आए हैं सब बहुत एक्टिव है और धन्यवाद देना चाहेंगे हमारे सीएम जी को कि इस तरह की योजना को का लॉन्च किए हैं और आगे भी हम उम्मीद करते हैं कि इस तरह की योजनाओं को फिर से हमारे राज्य में लाएं। चलिए थैंक यू। ये थी मुखिया जी नरगिस प्रियंका जी, जिनसे हम अभी बातचीत किए, इनसे हम जानने का प्रयास किए किस प्रकार से यहाँ लोगों की समस्याएं सुनी जा रही है, लोगों को कैसे जानकारियां दी गई, इन्होंने पूरी जानकारी बताई। तो खैर अब हम आपको ये भी बता देते हैं कि पीछे देखिए एलसीडी टीवी जो है एलसीडी चल रहा है जिससे लोगों को बताया जा रहा है कि किस प्रकार से किस किस प्रकार की सुविधाएं उन्हें दी जा रही है।
देखिए अभी लोग लगभग 1500 मतलब 1500 लोग अभी अब तक आ चुके हैं और लोग अभी आ ही रहे हैं। तो अब हम इसी प्रकार से खूंटी जिले की खबरों को आप तक पहुंचाते रहेंगे और दिखाते रहेंगे खूंटी जिले अंतर्गत क्या क्या हो रहा है। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए झारखंड टुडे।